जो आज नेता विरोधी दल के इशारे पर सभी मेंबर बेल में जाके कुर्सी भी उन्होंने तोड़ा, कागज भी फेंका और जो वहाँ कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की भी किया। गुंडागर्दी किस तरह से हो रहा है, नेता विरोधी दल जा करके बेल में कूदना, और पहले तो बेल में कुदाया उन्होंने सभी मेंबर को, और फिर आग फिर और जा कर करके लोगों को उसकाने का काम किया। तो इस तरह का कृत हम लोगों ने लंबे समय से 30 साल से हम इस सदन के सदस्य हैं कभी ऐसा हमने नहीं देखा। आज बिहार विधानसभा में जिस तरह के घटना हुई है वो संसदीय व्यवस्था के लिए सर्वसार करने वाली घटना है। जिनको संसदीय व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं है और जिनको बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही लोग इस तरह का कृत करते हैं जो आज नेता विरोधी दल के इशारे पर सभी मेंबर बेल में जाके कुर्सी भी उन्होंने तोड़ा, कागज भी फेंका और जो वहाँ कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की भी किया। तो इस तरह के कृत करने वाले लोग को बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता देख रही है और इनको प्रश्न पूछने के साहस नहीं है, और वो चाहते हैं कि नियम के तोड़ करके, नियम को दरकिनार करके हमारे प्रश्नों का जवाब सरकार दे। तो सदन तो नियम से चलता है, नियमावली से चलता है। चाहे नेता विरोधी दल हों, चाहे और कोई मेंबर हों, सभी माननीय सदस्यों का मान बराबर है। अगर एक साधारण जो मेंबर हैं उनके प्रश्न आएंगे और नियम से उनका प्रश्न पहले रहेगा तो उनका ही प्रश्न लिया जाएगा। नेता विरोधी दल का अगर 10वां नंबर पर रहेगा तो नहीं लिया जाएगा, इस बात की जानकारी नेता विरोधी दल को भी है। और वो स्पीकर के भी कुर्सी पर रह बैठ चुके हैं और स्पीकर के कुर्सी पर रह करके जिस तरह का कृत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे संवैधानिक कुर्सी पर रहे हुए व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। अब तो देखिए आप, सदन की कार्यवाही, पूरी कार्यवाही पूरी देश की जनता देख रही है और प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही खबर यह जा रही है। गुंडागर्दी किस तरह से हो रहा है, नेता विरोधी दल जा करके बेल में कूदना, और पहले तो बेल में कुदाया उन्होंने सभी मेंबर को, और फिर आग फिर और जा कर करके लोगों को उसकाने का काम किया। तो इस तरह का कृत हम लोगों ने लंबे समय से 30 साल से हम इस सदन के सदस्य हैं कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि नेता विरोधी दल कूद करके अपने मेंबर को उत्तेजित करता हो, और वो अपने सवाल के लिए, मेंबर के सवाल के लिए अगर ये करते तो ये अच्छी बात थी, लेकिन खुद अपने सवाल के लिए इस तरह का कृत कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल उनको उठाना है वो नियम के हिसाब से सदन में लाएंगे, उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। मैं तो यही कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जिनको भरोसा नहीं वो कुर्सी उठा रहे, वो मेज पर चढ़ जा रहे हैं, कागज फाड़ के फेंक रहे आसन की तरफ, वहाँ कर्मचारियों को धक्का मुक्की दे रहे हैं। तो इस तरह के आचरण करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य हैं उनको देश की जनता देख रही है, और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। क्यों नहीं कार्रवाई हो जाएगी? अध्यक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर? मैंने कहा कि चाहे किसान सलाहकार का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे और राज्य का ज्वलन सवाल अगर उठाना चाहता है विपक्ष या सदन का कोई सदस्य उठाना चाहता है, उसको सरकार देने के लिए जवाब तैयार है। जब नियम के हिसाब से सदन में वो बात आएगी उसका सरकार जवाब देगी।